पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 दिनांक 24 जनवरी से 4 फरवरी तक। स्थान रावण का चबूतरा जोधपुर। प्रवेश निःशुल्क। आप सभी शहरवासी सादर आमंत्रित हैं। नोडल एजेंसी लघु उद्योग भारती जोधपुर प्रांत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने के बाद नाराज हुआ मुस्लिम समाज। वाराणसी में मुस्लिम समाज ने बंद का किया ऐलान। शव मामले की गंभीरता को देखते हुए कानपुर पुलिस का अलर्ट। कानपुर में लागू की धारा 144। सुबह से ही परेड चौराहे पर भारी पुलिस बल मौजूद। शांतिपूर्ण ढंग से जुम्मे की नमाज को अदा कराएगी पुलिस। देखिए सुजीत कुमार की खास रिपोर्ट। धारा 144 लागू की गई, क्या कारण था और किस? देखिए, सामाजिक माध्यमों पे किसी भी तरह की विभ्रांति किसी के द्वारा न फैलाई जाए, इस पर 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश दिए गए हैं। साथ ही खुले में डीजल पेट्रोल इत्यादि लेकर के कोई भी कहीं भी नहीं जाएगा, न कोई बिक्री करेगा, इस पर भी 144 का प्रतिबंधात्मक आदेश दिया गया है। साथ ही एक तीसरा आदेश भी दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कहीं का भी अगर कानपुर नगर में किसी के द्वारा अपने घर में रेंटेड अकोमोडेशन के रूप में, पेइंग गेस्ट के रूप में अपने लॉज में रखा जाता है, तो उसकी सूचना वो थाने को देंगे और वो चाहे व्हाट्सएप से दें, मेल से दें, वो खुद हार्ड कॉपी ले आकर पहुँचाएँ, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। और इसके लिए भी 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश देते हुए सुनिश्चित किया गया है कि यदि इसका वायलेशन किया जाएगा तो 188 के तहत इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। ये सारी चीज़ें अमन पसंद हमारी जो आवाम है यहाँ पे, उसको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, कहीं कोई ऐसा व्यक्ति जो बाहर से आकर के अनावश्यक रूप से यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट न करे, कोई व्यक्ति सामाजिक माध्यमों में अपप्रचार न करे और किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई प्लानिंग और एग्जीक्यूशन न हो, वो सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने 144 के तहत 3 प्रतिबंधात्मक आदेश और 1 सामान्य प्रतिबंधात्मक आदेश, 4 आदेश दिए हैं। यह भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि अराजक तत्व, ऐसे तत्व जिनका ऑब्जेक्टिव चीज़ों को बिगाड़ना होता है, उनकी अलग मंशा होती है, ऐसे लोग जो है वो हमारे समाज के भीतर आ करके अमन पसंद आवाम को परेशान करने के उद्देश्य से तमाम चीज़ें कर देते हैं। तो हमने सभी लोगों से बातचीत भी की है। हमारे जो यहाँ पर तमाम सुशिक्षित विद्वत जन, अलग अलग हमारे धर्मों के जो आचार्य हैं, जो हमारे उनके शहर काजी लोग हैं, जो मौलाना साहब लोग हैं, जो हमारे मस्जिदों के इमाम हैं, मंदिरों के जो पुजारी हैं, मुख्य पुजारी हैं, धर्माचार्य हैं, हमने सभी से बात की है। हमने समाज के अलग अलग संगठनों से भी बात की और हमने सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि अमन पसंद आवाम जो है, शांति पसंद लोग जो हैं, शांति प्रिय लोग जो हैं, वो आगे रहें, वो नेतृत्व करें और हम उन सभी मैकेनिज्म को ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो LIU हो, पुलिस युवा मित्र हो, चाहे हमारे सिविल डिफेंस का वॉलंटियर हो, हमारा पुलिस बल व्यवस्थापन हो, QRT का व्यवस्थापन हो, हम सभी का स्वयं सड़क पर खड़ा रहना हो या हमारे द्वारा अन्य सभी प्रकार के किए जाने वाले कार्य जो हम करने चाहिए, हम कर रहे हैं और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि समाज में शांति बनी रहे, व्यवस्था बनी रहे, किसी को कोई मौका न मिले। देखिए, जुम्मे के नमाज के लिए 144 पर प्रतिबंधों के अतिरिक्त हमने ऑलरेडी एक आदेश दिया है जिसमें यह हमने सुनिश्चित किया है कि 5 से अधिक व्यक्ति अगर एक साथ जुम्मे की नमाज को पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो बिल्कुल जाएंगे। ये हमारी जो है धार्मिक परंपरा है और ये अति पवित्र मान्यता है। यह 144 का प्रतिबंधात्मक निर्देश उस पर लागू नहीं होता, लेकिन
144 के अन्य सभी आदेश उन सभी उपद्रवकारियों पर लागू होते हैं, होंगे और उसके अनुसार कार्यवाही होगी जो व्यवस्था को बिगाड़ने का कार्य करेंगे।